एवरीवन, नमस्ते। आज हम बनाएंगे तंदूरी ग्रिल मोमोस। और इसे बनाने के लिए मैंने डो को और इसके फिलिंग को पहले से तैयार करके रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी मोमोस बनाए हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस से मैंने इसका डो तैयार किया है और जो इसकी फिलिंग है वो भी सेम है। बस कैबेज की जगह पे मैंने वहाँ पे थोड़ा पनीर डाला हुआ है क्रश करके, और उसमें थोड़े से गरम मसाले हैं। तो अभी हम मोमोज़ को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये इस तरह से पूरी बनाएंगे और अपने मोमोज़ को शेप देंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि पूड़ी का जो किनारा होता है उसे हमें थोड़ा पतला बेलना होता है, क्योंकि उससे हम डिज़ाइन बनाते हैं। और ये हमारा फिलिंग है जिसमें कैप्सिकम, अनियन और थोड़े से कैबेज और थोड़ा ज़्यादा पनीर है, थोड़े से ग्रेटेड कैरेट भी हैं। तो बिल्कुल सेम मसाला है, बस थोड़े से गरम मसाला और पनीर को मैंने इसमें ऐड किया है, जो मैंने पहले बनाया था उसी प्रोसेस के साथ। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। मैं अपने पहले वाले सिंपल मोमोज की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। और इसकी जो फीलिंग है तंदूरी मोमोज बनाने के लिए, आप इसकी फीलिंग पनीर टिक्का से या चिकन टिक्का से या बचे हुए पनीर टिक्का और चिकन टिक्का जो ड्राई होते हैं उनको क्रश करके उनसे भी कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ऐसे एक एक करके हम सारे मोमोज को पहले बना लेंगे। जब भी हम घर में टिक्का रेसिपी बनाते हैं या ड्राई कबाब है, कुछ भी बनाते हैं, और अगर वो पच जाए तो आप उसे हल्का सा गरम करें और दरदरा ऐसे ग्राइंडर में थोड़ा क्रश कर ले उसे, और फिर आप उसे फिलिंग की तरह यूज़ करके इस तरह से मोमोज बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। और चाहें तो इस तरह से फ्रेश फिलिंग बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं फिलिंग और आटा भी बनाती। तो अब ये मोमोज़ बन चुका है और अब हम इसके लिए एक बैटर बनाएंगे जिसमें हम इसे डिप करेंगे। तो ये 3 टेबलस्पून हमारा बेसन है और ये 2 टेबलस्पून दही डालेंगे जो घर में बनाई हुई है गाय के दूध से, तो इसका एक अलग सा फ्लेवर आता है बिकॉज़ इसके घी और क्रीम की वजह से। तो इसमें अभी हम ये तंदूरी टिक्का मसाला डालेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं बनाना है। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और अभी इन सबको अच्छे से मिला लेंगे नमक के साथ। तो ये नमक है और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने बनाए हुए मोमोज को अच्छे से डिप करके अलग निकाल लेंगे या इसी बर्तन में रख देंगे। तो मैंने अभी 5-6 ही मोमोज बनाए हैं, इसलिए मैंने इसका बैटर भी बहुत कम बनाया है। तो इसमें ये सारा अच्छे से देखिए लग चुका है, और इस तरह से लगाकर इसे सारे मोमोज में अच्छे से बैटर को ऊपर नीचे लगाकर और ढककर हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम अपना ये जो स्टीमर है, हमारा बैम्बो स्टीमर, इसे भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें पहले हल्का सा तेल से इसे ग्रीस किया है और उसके बाद इसे स्टीम होने के लिए रख दूंगी। और अभी हम अपने मोमोज को इसमें डालेंगे।
तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि इसका आटा कच्चा है तो आप बहुत ही सावधानी से इसमें से निकालें, नहीं तो ये फट सकता है। तो थोड़ा सावधानी से इसे स्टीम करेंगे, अच्छे से रख देंगे इसमें, और इसे 8 से 10 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए तेज आंच पे स्टीम कर लेंगे। फ्लेम मैंने बहुत ही हाई रखा हुआ था, तो गैस बंद करने के बाद भी ये बर्तन में पानी ऐसे ही देखिए खौल रहा है। और अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रिलर पे थोड़े से बटर को मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स करके डाला हुआ है, ग्रीस किया है सिर्फ, और अब इसमें से ये आराम से निकल जाते हैं इस तरह से, क्योंकि ये अब पक चुका है। तो इसे निकाल कर और हम ग्रिलर पे रख देंगे। ये ग्रिलर कास्ट आयरन का है, इसलिए हल्का फुल्का इसमें चिपकता है, बिकॉज़ ये अभी नया है। आप नॉन स्टिक ग्रिलर को भी यूज़ कर सकते हैं, और उस पर भी ऐसे ही ग्रीस करके, और इन मोमोज के ऊपर भी हल्का फुल्का बटर और तेल मैं लगा रही हूँ, और इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। और अब ये पूरा रेडी हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसे ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड चटनी के साथ सर्व किया है, और अगर आप इसे घर की फ्रेश दही के साथ बनाते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।